जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। खट्टर अनुसार हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 33.6% नहीं है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि हरियाणा में पहली पोजीशन पर बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हरियाणा में है। लेकिन स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष एवं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने आरोप लगाया कि CMII द्वारा जारी बेरोजगारी आंकड़े के संदर्भ में विपक्ष के तथ्यात्मक सवालों को सत्ता प्रभावशी मीडिया पर दबाव डालकर हरियाणा भाजपा जजपा सरकार ब्लैकआउट कर रही है। विद्रोही ने कहा कि मनोहर खट्टर का यह कहना CMII का हरियाणा को बेरोजगारी दर में देश का सबसे नंबर 1 राज्य बताना फर्जी आंकड़ों पर आधारित है। खट्टर अनुसार हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 33.6% नहीं है। जब संघीय सरकारों की तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ पोल खुलती है तब तब सत्ता दबाव से ऐसी खबरों को पहले दबाया जाता है या फिर आंकड़ों को फर्जी बताकर मीडिया को मैनेज करके फर्जी आंकड़े परोस दिए जाते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में स्कूली अध्यापकों के पद जो है करीब 1,27,794 पद स्वीकृत है। इनमें से 31,232 अध्यापकों के पद खाली हैं। प्रदेश में इस समय 1,27,794 पदों में से 84,447 शिक्षकों की रेगुलर पदों पर काम कर रहे हैं और 12,144 शिक्षक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। और 1983 PTI अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हटा दिया गया है और बेरोजगारी दर निरंतर बढ़ रही है। आखिर कब हरियाणा में शिक्षकों की वैकेंसी आएगी? आखिर कब इस बेरोजगारी से मात जो है हरियाणा के युवा खाएंगे? आखिर सरकार कब सोचेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं और इसके बीच में बेरोजगार युवा भी पिसते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।